अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैरियत से होंगे। देसी खाने एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, इस वीडियो में हम KFC स्टाइल क्रिस्पी चिकन स्ट्रिप्स बनाएंगे। तो चिकन स्ट्रिप्स बनाने के लिए दोस्तों हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, सबसे पहले तो हमने 1.5 कप मैदा ले लिया। मैदे के साथ साथ दोस्तों 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून दोस्तों हम नमक और 1 ही टीस्पून हम दोस्तों लाल मिर्च शामिल कर लेंगे। इसी तरह दोस्तों थोड़ा सा हमें सिरका चाहिए होगा, और इसके साथ साथ दोस्तों 750 ग्राम तकरीबन हम बोनलेस चिकन शामिल कर लेंगे। 2 कैन स्प्राइट के ले लिए, तकरीबन 1/2 कप हमने मैदा सेपरेट से ले लिया। तो सबसे पहले दोस्तों हम अपने चिकन में 2 टेबल स्पून हम सिरका ऐड कर लेंगे। उसके साथ 1/2 टीस्पून हम नमक ऐड करेंगे। इसी तरह 1/2 टीस्पून हम दोस्तों लाल मिर्च शामिल कर लेंगे, और इसमें दोस्तों थोड़ा सा पानी डाल के इसको 1 से 1.5 घंटे के लिए हम भिगो के रख देंगे, ताकि अच्छी तरह ये सिरके के साथ और इसके अंदर नमक और मिर्च का फ्लेवर भी अच्छी तरह से शामिल हो जाए। तो दोस्तों हम इसको मिनिमम 1 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं, आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने जो 1.5 कप मैदा लिया था उसको हम एक प्लेट में शामिल कर लेंगे, और इसमें दोस्तों हम बारी बारी अपने जो मसाले हैं वो ऐड करना शुरू कर देंगे, जिसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च है, 1/2 टीस्पून हमारे पास नमक है, इसी तरह हमारे पास 1/2 टीस्पून गार्लिक का पाउडर है, थोड़ी सी चिली फ्लेक्स शामिल करेंगे तकरीबन 1/2 टीस्पून, और इसी तरह 1/2 टीस्पून दोस्तों हम लाल मिर्च भी इसमें शामिल कर लेंगे। इसको दोस्तों हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ताकि जितने भी हमारे मसाले हमने इसमें डाले हैं वो अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। दोस्तों अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह की अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। दोस्तों जो हमने 1/2 कप मैदा लिया था, अब उसका हम बैटर बनाएंगे। तो पेस्ट बनाने के लिए दोस्तों हम इसको एक बाउल में डाल लेंगे, और इसके साथ साथ दोस्तों ये जो हमारे मसाले थे हम वो सारे इसमें शामिल कर देंगे एक एक करके। दोस्तों ये सब हमने 1 टीस्पून ले लिए। अब इसको दोस्तों हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसके अंदर हम सोडा शामिल करना स्टार्ट कर देंगे। आप मैंने स्प्राइट ली है, अगर आपके पास सोडे का कैन हो तो आप वो सोडा भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके तो स्प्राइट को ऐड करेंगे, और इसको साथ साथ चम्मच को चलाते रहेंगे, और इसको हम इसमें मिक्स करेंगे अच्छी तरह से, ताकि इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए। थोड़ा थोड़ा दोस्तों आपने स्प्राइट को इसमें ऐड करते रहना, और इसका हमने दोस्तों पेस्ट बनाना है। दोस्तों पेस्ट जो है हमारा वो ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। आपने दोस्तों जैसे वीडियो में देख रहे हैं इतनी आपने इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए आपका पेस्ट। दोस्तों जो हमने चिकन सिरके में डिबो के रख लिया था, अब इसके सिरके का पानी निकाल लेंगे। आपने इसको धोना नहीं है, आपने सिर्फ पानी को निकालना है, और इसके अंदर जो हमने अभी मिक्सचर रेडी किया है वो हम इसमें शामिल कर देंगे। इस मिक्सचर के अंदर दोस्तों हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे, ताकि ये अच्छी तरह से इसके साथ मिल जाए। दोस्तों इसको कम से कम हम 1 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जितनी देर आप ज़्यादा रखेंगे आपके रिज़ल्ट उतने ही अच्छे आएंगे। अब दोस्तों हम इसकी कोटिंग कर लेंगे, तो आप एक एक करके आप एक एक पीस को आपने दबा के इसकी कोटिंग कर लेनी है।
अच्छी तरह से दोस्तों हम इसकी कोटिंग कर लेंगे। इस तरह से दोस्तों हमने सबकी कोटिंग कर ली है। दोस्तों हमने 8 से 10 मिनट के लिए पहले प्री हीट कर लिया अपने ऑयल को, तो आपने इसको हाई से थोड़ा सा हल्का आपने इसका फ्लेम रखना है, तो आपने इसको फ्राई करना शुरू कर देना है। इसको दोस्तों हम 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जब इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा दोस्तों, फिर हम इसको निकाल भी लेंगे। इसी दौरान दोस्तों आपने इसकी जो साइड वगैरह है वो चेंज कर लेनी है अपने चिकन की, ताकि ये एक साइड से जले नहीं। जब दोस्तों आपके चिकन का कलर गोल्डन हो जाए, तो आपने इसको स्टेन करके किसी भी बर्तन में निकाल लेना है। इस तरह दोस्तों आपके चिकन स्ट्राइप्स बिल्कुल इजी, क्रिस्पी और स्पाइसी KFC स्टाइल के बन के तैयार हो जाएंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये बड़े ही क्रिस्पी और जूसी अंदर से ये देखें बन के तैयार हो चुके हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।